तो ये है मेरे पास दो बेस्ट ब्लूटूथ वायरलेस गेम कंट्रोलर जिन्हें आप अपने मी बॉक्स और स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी के साथ में इजीली कनेक्ट कर सकते हो। ये दोनों ही वायरलेस गेम पैड्स अमेजोन पर काफ़ी बढ़िया प्राइस में अवेलेबल भी है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों वायरलेस गेम पैड्स को अपने मी बॉक्स के साथ में कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए इनमें से कौन सा वायरलेस गेम पैड ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अपने रेड गियर वायरलेस गेम पैड के बारे में। तो इस Redgear Pro Series वायरलेस गेम पैड को आप Amazon से परचेज कर सकते हो और अभी रीसेंट प्राइस हाइक के बाद आपको ये Amazon पर 1500 से 1600 रुपए की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। Amazon पर ये सिर्फ रेड कलर में अवेलेबल है और यहाँ पर रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया लग रहा है। गेम पैड को ऑन करने के लिए आपको सिंपली इस होम की पर प्रेस करना है और गेम पैड ऑन होने पर आपको इन चार बटन्स पर लाइट भी देखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा इसके बटन्स की क्वालिटी की ये तो हम बात करें तो आपको यहाँ पर सभी बटन्स प्लास्टिक बिल्ड में देखने को मिल जाते हैं और किसी भी बटन पर आपको रबराइज फिनिश नहीं मिलती। लेकिन यार फिर भी जो इसकी कीज की क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। गेम पैड में ऊपर की तरफ आपको इसे चार्ज करने के लिए एक पोर्ट देखने को मिल जाएगा जिसमें आप अपनी कोई भी माइक्रो यूएसबी केबल को लगाकर इस गेम पैड को चार्ज कर सकते हो। ये गेम पैड आपका तकरीबन एक घंटे में फुल चार्ज हो जाता है और एक घंटे की चार्जिंग के बाद आप इस पर 10 घंटे की कंटिन्यूसली गेमिंग कर सकते हो। तो बैटरी बैकअप तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। और उसके अलावा इस गेम पैड पर आपको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो देखने को मिलता है वो ये है कि आपको इस गेम पैड पर साइड में रबराइज रैपिंग देखने को मिल जाती है, तो ऐसे में आपको इस गेम पैड पर गेमिंग करते वक्त काफ़ी बढ़िया ग्रिप मिलती है। गेम पैड पर आपको नीचे की तरफ चार LED लाइट्स देखने को मिल जाएगी जो कि आपको इस गेम पैड का कनेक्ट होने का स्टेटस और बैटरी स्टेटस बताएगी। वैसे इस गेम पैड को अब मैं पिछले काफ़ी टाइम से ही यूज़ कर रहा हूँ। ये गेम पैड आपका मी बॉक्स 4K स्मार्ट एंड्रॉयड TV और PC पर काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करता है। इस गेम पैड के थ्रू मैंने अपने PC और मी बॉक्स पर काफ़ी हैवीली गेमिंग की है और यार कई बार ये गेम पैड मुझसे गिरा भी है, लेकिन अभी भी ये गेम पैड काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने LiveTech वायरलेस गेमिंग कंट्रोलर की तरफ और उसके बाद हम इन दोनों ही गेम पैड्स को अपने मी बॉक्स के साथ में कनेक्ट करेंगे और एक एक करके हम इन दोनों ही गेम पैड से अपने मी बॉक्स पर गेमिंग करेंगे। तो आप इस LiveTech वायरलेस गेम पैड को Amazon से 1300 रुपये की प्राइस में परचेज कर सकते हो और Amazon पर ये रेड और ब्लू कलर में अवेलेबल है। गेम पैड ऑन होने पर आपको यहाँ पर भी इन चार कीज पर लाइट देखने को मिल जाएगी और इस गेम पैड का कनेक्टिविटी का स्टेटस आप यहाँ से इन लाइट से चेक कर सकते हो। और उसके साथ ही साथ ये गेम पैड आता है इस काफ़ी बढ़िया से मोबाइल होल्डर के साथ में। बटन्स की क्वालिटी की ये तो हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी आपको रेड गियर की तरह ही प्लास्टिक बिल्ड में बटन देखने को मिल जाते हैं और हमें किसी भी बटन पर रबराइज फिनिश नहीं मिलती। वैसे इस गेम पैड को अभी रिसेंटली मैंने अमेजोन से परचेज किया है और अभी कुछ दिनों से मैं इसी गेम पैड को यूज़ कर रहा हूँ। ओवरऑल इस गेम पैड की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और ये आपके मी बॉक्स और मोबाइल फ़ोन के साथ में काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। आप इस गेम पैड को अपने मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट एंड्रॉयड TVs के साथ में इजीली कनेक्ट कर सकते हो। ये गेम पैड आपका PC पर वर्क नहीं करता। गेम पैड में हमें साइड में रबराइज रैपिंग भी देखने को नहीं मिलती जैसे कि हमें Redgear वायरलेस गेम पैड में देखने को मिली थी। वैसे ओवरऑल गेम पैड पर आपको ग्रिपिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाती है क्योंकि ये गेम पैड काफ़ी लाइट वेट है और ये तो मैं इसे कंपेयर करूँ अपने Redgear वायरलेस गेम पैड के साथ में तो ये Redgear वायरलेस गेम पैड से थोड़ा लाइट वेट है। तो ऐसे में ये तो आप इस गेम पैड के थ्रू ज़्यादा देर तक गेमिंग करते हो तब भी आपको कुछ ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील नहीं होगा। तो चलिए अब जल्दी से हम यहाँ पर अपने LiveTech गेम पैड को अपने मी बॉक्स के साथ में कनेक्ट करते हैं और मैं यहाँ पर आपको एक गेम प्ले करके दिखाता हूँ। तो गेम पैड को अपने मी बॉक्स या फिर किसी और स्मार्ट एंड्रॉयड TV के साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको प्रेस करके रखनी होगी X की और एंड्रॉयड की एक साथ में। उसके बाद आपको जाना है अपने मी बॉक्स की सेटिंग्स में रिमोट एंड एक्सेसरीज वाले ऑप्शन में और यहाँ पर आपको एड एक्सेसरीज पर टैप करना है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे गेम पैड का नाम यहाँ पर शो हो चुका है और हमारा गेम पैड सक्सेसफुली मी बॉक्स के साथ में पेयर हो गया है और पेयरिंग के बाद गेम पैड पर लाइट जो है वो स्टेबल हो जाएगी। तो चलिए मैं जल्दी से आपको इस LiveTech गेम पैड के थ्रू अपने मी बॉक्स पर एक गेम को प्ले करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पर प्ले करेंगे इस एसफॉल्ट गेम को। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो हमारी ये LiveTech वायरलेस गेम कंट्रोलर मी बॉक्स के साथ में काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है और कीज़ भी यहां पर काफ़ी अच्छी तरह से रिस्पॉन्स कर रही हैं। ये गेम पैड आता है ब्लूटूथ 4.2 टेक्नोलॉजी के साथ में और ऐसे में आपको यहां पर डिले भी ना के बराबर देखने को मिल रही है। और उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि गेम पैड काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है तो ऐसे में आपको यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस भी गेम पैड के थ्रू काफ़ी बढ़िया मिल जाता है।
तो चलिए अब हम कनेक्ट करते हैं इस रेडगियर वायरलेस गेम पैड को अपने मी बॉक्स के साथ में, और इसे अपने मी बॉक्स के साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली इसके साथ में आए हुए इस यूएसबी रिसीवर को अपने मी बॉक्स के यूएसबी पोर्ट पर अटैच कर देना है और आपका गेम पैड इंस्टेंटली इस मी बॉक्स के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। इस गेम पैड को अपने मी बॉक्स या फिर स्मार्ट एंड्रॉयड टीवीज के साथ में पेयर करने के लिए आपको कहीं भी सेटिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली बस होम बटन पर टैप करना है और आपका ये गेम पैड आपके मी बॉक्स के साथ में इंस्टेंटली पेयर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं जल्दी से इस गेम पैड के थ्रू भी आपको एक गेम प्ले करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर फिर से प्ले करेंगे एस्फोर्टाइट गेम को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारे ये रेडगियर वायरलेस गेम पैड भी मी बॉक्स के साथ में काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। और वैसे ये गेम पैड भी आता है ब्लूटूथ 4.2 टेक्नोलॉजी के साथ में, तो ऐसे में आपको यहाँ पर डिले जो है वो ना के बराबर देखने को मिलती है। गेम पैड पर साइड में रबराइज रैपिंग होने के कारण आपको यहाँ पर ग्रिपिंग भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारा ये रेडगियर वायरलेस गेम कंट्रोलर पीसी के साथ में भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है, और अभी मैंने इसे अपने विंडोज़ 10 पीसी के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। एसफॉल 9 गेम यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से चल रही है और बटन्स भी गेम पैड के काफ़ी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है। तो यही तो आप अपने मी बॉक्स, स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी या फिर अपने पीसी के साथ में गेमिंग करना चाहते हो तो आपके लिए ये रेडगियर वायरलेस गेम पैड काफ़ी बढ़िया एक ऑप्शन रहेगा। और उसके अलावा मैंने इस लाइफटेक गेम कंट्रोलर को भी अपने पीसी के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश की थी। ये गेम पैड पीसी के साथ में पेयर तो हो जाता है लेकिन ये पीसी पर वर्क नहीं करता। लेकिन ये गेम पैड आता है इस काफ़ी बढ़िया से मोबाइल होल्डर के साथ में, तो ऐसे में आप इस गेम पैड के थ्रू अपने मोबाइल पर काफ़ी अच्छी तरह से गेमिंग कर सकते हो। ये लाइफटेक गेम कंट्रोलर आपको अमेज़ोन पर 1300 रुपये की प्राइस में मिल जाएगा, और वहीं आपको रेडगियर वायरलेस गेम कंट्रोलर अमेज़ोन पर 1500 से 1600 रुपये की प्राइस में मिल जाएगा। और इन दोनों ही वायरलेस गेम पैड के लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आखिरी में मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि ये तो आप अपने स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी और मोबाइल फ़ोन पर गेमिंग करना चाहते हो तो फिर तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए लाइफटेक वायरलेस गेम पैड की तरफ। और ये तो आप सिर्फ अपने स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी और पीसी पर गेमिंग करना चाहते हो तो फिर आपको जाना चाहिए रेडगियर वायरलेस गेम पैड की तरफ। तो फ्रेंड्स, यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।